है रेक्टेंगुलर प्लेग्राउंड की है, सॉरी पार्क की। अभी आपको बताना है कि कॉस्ट कितनी होगी। 15 रुपीज पर मीटर है, तो आपको टोटल कितना है, 100 का बताना है, 500 का। सो वी राइट हियर कॉस्ट फॉर पर मीटर इक्वल्स टू रुपीज 15। देयरफॉर कॉस्ट फॉर 1500 सॉरी 500 स्क्वायर मीटर इक्वल्स टू क्या करेंगे हम, 500 को 15 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, क्या करना है, 500 को 15 से मल्टीप्लाई करना है। तो 15 0 0 15 0 0 0 15 5 75। ठीक है, तो ये क्या निकल के आई है, कॉस निकल के आई है। जो पार्क है रेक्टेंगुलर जिसका पेरीमीटर 500 है, उसको फेंसिंग करने के लिए कितने कॉस की जरूरत होगी, 7500 रुपीज। फर्स्ट क्वेश्चन क्लियर है, चलिए क्वेश्चन नंबर टू रीड करें। क्वेश्चन नंबर टू रीड करें। A garden is 135 meter long and 46 meter wide. Rita takes 5 round of the garden. How much distance does she cover? Mam, ho gaya. A garden. ठीक है, अ गार्डन इज 135 मीटर लॉन्ग। ठीक है, गार्डन की क्या लेंथ दी गई है आपको, लेंथ ऑफ गार्डन इक्वल्स टू कितना दिया गया है, 135 मीटर। एंड द ब्रेथ दी गई है, ब्रेथ ऑफ गार्डन दी गई है 46 मीटर। देन द एरिया सॉरी पेरीमीटर फाइंड आउट करनी है ना, तो पेरीमीटर क्या होगा, 2 × L + B। ओके, यहाँ लेंथ है 135 एंड ब्रेथ है 46। ठीक है, नाउ वी ऐड देम एंड वी गॉट 181। ओके, 6 + 5 कितना होगा, 6 + 5 विल बी 11। सो 1 राइट हियर, 1 कैरी ओवर, देन 4 + 4 = 8 एंड 1 ये। ठीक है, तो कितना आया आंसर, 181। अभी आप 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 × 1 = 2, 2 × 8 = 16, 1 carry over, 2 × 1 = 2, 3। ठीक है, 300 square meter, ये आपका पेरीमीटर निकल के आया। बट आपसे पूछा क्या गया, हाउ मच सॉरी रीता टेक्स 5 rounds ऑफ द गार्डन, मतलब रीता जो है ये तो पेरीमीटर जो निकल के आई है दैट मीन्स ये 1 round का है। ठीक है, 1 round का है, बट आपसे पूछा क्या गया है, रीता टेक्स 5 rounds ऑफ द गार्डन, मतलब वो गार्डन के 5 round लेती है। सो हाउ मच डिस्टेंस डज शी कवर, मतलब कि वो डिस्टेंस कितना कवर करेगी। तो इसके लिए हम आगे क्या करेंगे, क्या करेंगे इसे, मैम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। यस, वेरी गुड, ये 1 round मान के चलिए 362, और इसको हम 5 round में बताना है, तो हम इसको 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। सो 5 × 2 = 10, 1 carry over, 5 × 6 = 30, +1 = 31, 3 carry over, 5 × 3 = 15, 16 × 17 = 18। That means she covered distance 1810 meter। ठीक है, अब आप इसको 1 kilometer भी बोल सकते हैं, क्योंकि 1810 meter कितना हो जाएगा, 1000 हो गया, तो 1000 का मीटर इक्वल टू कितना होता है, 1 kilometer होता है, right? Yes, ma'am. कितना होता है? Yes, ma'am. तो आप इसको 1 kilometer 810 meter भी बोल सकते हैं। ठीक है ना,
चले नेक्स्ट क्वेश्चन रीड करें. फाइंड द पेरिमीटर ऑफ एन मैम उदय मणिकपुरी फाइंड द पेरिमीटर ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल इज ऑफ वर्स साइड इज 4.5 सेंटीमीटर. फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये पता होना चाहिए कि इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या होते हैं. ये मैंने आपको एक्सप्लेन किया हुआ है टाइप्स ऑफ ट्रायंगल होते हैं. तो इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या होता है? इक्विलैटरल ट्रायंगल क्या होते हैं बेटा? किसी को नहीं मालूम है आपने से? उसके नाम में ही उसका डिफाइंड हिडन है. इक्वी मतलब होता है बराबर, लैटरल्स मतलब लैटरल मतलब होता है साइड, यानी कि वो ट्रायंगल जिसके तीनों साइड्स कैसी होती है, इक्वल लेंथ की होती है. ठीक है, क्या होता है इक्विलैटरल ट्रायंगल? जिनकी तीनों साइड बराबर हो. ये कौन है तीनों साइड बराबर हो? तो अगर आपको उसकी साइड 4.5 दी हुई है तो बाकी के दो साइड भी कैसे होंगे? 4.5 सेंटीमीटर लॉन्ग होंगे. ठीक है, अब आपको बताना है कि पेरीमीटर के लिए कैसे कैसे निकालते हैं. पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल क्या होता है? क्या होगा बेटा पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल? Sum of all sides. ठीक है मैम, sum of all sides. Sum of all sides. हाँ, तो यहाँ पे हम 4.5 देंगे. कितने साइड होते हैं? 3 होते हैं. तो 4.5 को हम कितने टाइम सम करेंगे? 4.5 3 टाइम. ठीक है, कितना आया? 13.5 सेंटीमीटर. क्या निकल के आई है? 13.5 सेंटीमीटर. ठीक है ना? यस. चले क्वेश्चन नंबर 4 रीड करिए. फाइंड द पेरिमीटर85 लिखा है कि 8.5 लिखा है? पेरीमीटर ऑफ एन आइसोसेलेस ट्राइंगल. ठीक है, अभी किसका पेरीमीटर फाइंड आउट करना है? आइसोसेलेस ट्राइंगल. ईच ऑफ टू साइड्स मेजर 6.9 सेंटीमीटर एंड द लेंथ ऑफ whose थर्ड साइड इज 85 सेंटीमीटर. So first of all you have to know what is isosceles triangle. ठीक है, तो isosceles triangle होते हैं जिनके दो साइड इक्वल होते हैं बट थर्ड साइड जो होता है वो नॉट इक्वल होता है. ठीक है, दो साइड सेम लेंथ के होते हैं बट जो थर्ड साइड होता है वो अलग लेंथ का होता है. तो यहाँ पे दो साइड, यहाँ पे आपको बोला गया है एन isosceles ट्राइंगल ईच ऑफ टू साइड मेजर 6.9. तो ये जो दो सेम साइड है उनका 6.9 मान के चलिए और जो थर्ड साइड है वो 8.5 सेंटीमीटर है. ठीक है, अब आपको इसका क्या करना है? पेरीमीटर निकालना है. तो ट्राइंगल कोई भी हो बट जो फॉर्मूला है पेरीमीटर फाइंड आउट करने का वो सेम ही रहेगा. ठीक है, पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल sum of all sides.
ठीक है, तो यहाँ पे सम देख कौन कौन से साइड है, 6.9 प्लस 6.9 प्लस 8.5, ठीक है, इसको हम इस तरह से प्लस करके देखते हैं, 9 2 18 राइट, एंड 18 प्लस 5 19 20 21 22 23 टू कैरी ओवर, 6 2 12 प्लस 8 20 एंड 20 प्लस 2 कितना होगा 22। अब यहाँ पर वन डिजिट के बाद डेसिमल है तो यहाँ पर भी आपको डेसिमल लगाना है आंसर में, ठीक है। नाउ वी हैव पेरिमीटर ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल इज 22.3 सेंटीमीटर, ठीक है, कोई डाउट? नो मैम। चलिए, हाँ तो बेटा आप लोगों को ये जब मैंने टाइप्स ऑफ ट्रायंगल बताए हुए हैं कि इक्विलेटरल ट्रायंगल और आइसोसेलेस ट्रायंगल ये क्या होते हैं, तब आपको इनको पता मालूम होना चाहिए ना, राइट एंगल ऑब्ट्यूज एंगल, राइट एंगल ट्रायंगल ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल, ये सब बताए कि नहीं बताए हैं क्लास में, फिर आप लोगों को क्यों नहीं मालूम है ये? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन रीड करिए। द पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगुलर गार्डन इज 320 मीटर एंड दिस इट लेंथ इज 220 मीटर, व्हाट इज द इट्स ब्रेथ? पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगुलर गार्डन इज गिवन, ठीक है, तो पेरीमीटर इस क्वेश्चन में हमको ऑलरेडी दी हुई है, तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं पहले जो चीज दिया हुआ है, पेरीमीटर कितनी दी हुई है 320 मीटर, ठीक है, फिर क्या दिया हुआ है, इसकी लेंथ दी हुई है, लेंथ दी हुई है आपको 120 मीटर, अब फाइंड क्या करना है, ब्रेथ, ठीक है, तो आपको इसके लिए मैंने फॉर्मूला बताया हुआ था, ब्रेथ फाइंड आउट करने के लिए आप क्या करोगे, सेम फॉर्मूला लगाइए पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल का, इक्वल्स टू 2 × L + B, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए ये जो चीज हम फाइंड आउट करते थे ये ऑलरेडी गिवन है, तो जो जहां है वहां पे हम उसकी वैल्यू रखेंगे, पेरीमीटर गिवन है तो पेरीमीटर के नीचे हम 320 लिखेंगे, देन 2 की जगह हम 2 लिखेंगे, लेंथ आपको दी हुई है 120 मीटर तो लेंथ की जगह हम 120 लिखेंगे, और ब्रेथ आपको नहीं दी गई है तो ब्रेथ की जगह हम बी को ही लिख देंगे, क्लियर है। अब क्या करना है कि ये 2 को हम रेसिप्रोकल करेंगे, दैट मीन्स 2 को अपोजिट साइड लेके आएंगे, ठीक है, इस तरह से क्या कर रहे हैं हम, ये वाला जो 2 था इसको हम यहाँ पे लेके आ रहे हैं, ठीक है, जो भी नोन वैल्यूज हैं उनको हम एक साइड लाते हैं, जो अननोन वैल्यू है जैसे कि ब्रेथ उसको हम अलग रखते हैं, तो एक एक करके हम वैल्यूज को लेके आएंगे, यहाँ पे हम 2 का रेसिप्रोकल कर रहे हैं, मतलब 2 को हम अपोजिट साइड लेके आ रहे हैं, और जब ये साइड चेंज करता है तो ये साइन चेंज हो जाता है, जैसे मल्टीप्लीकेशन में है तो ये किस में आ जाएगा, डिवीजन में आ जाएगा, और अगर डिवीजन में है तो मल्टीप्लीकेशन में हो जाता है, तो यहाँ पे 2 को हम 320 को 2 डिवाइड कर रहा है, तो देखिए 2 1 2 2 6 12 एंड 0, तो ये कितना आया 160, ठीक है। अब यहाँ पर भी देखिए बी 120 बचा हुआ है और हमें बी की वैल्यू पता करनी है, तो आप बी को अलग कर दीजिए और 120 को इस साइड ले आइए, बट यहाँ पे देखिए 120 जो है किसमें है, प्लस में है, 120 के साथ कौन सा साइन लगा हुआ है, प्लस का, तो जब ये साइड चेंज करेगा तो किस साइन के साथ हो जाएगा, माइनस, क्या हो जाएगा, माइनस, तो 160 माइनस 120 करेंगे तो आंसर क्या हो जाएगा, 40, ठीक है, तो आंसर क्या आया 40 मीटर, ब्रेथ क्या होगी इसकी 40 मीटर, ये वाला क्वेश्चन समझ में आया सभी को? यस मैम, यस मैम,
ये थोड़ा सा डिफिकल्ट है, तो इसके इस टाइप के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस आपको बार बार करनी है, ठीक है, तभी आपको ये समझ में आएगा। अभी तो समझ में आ गया, बट हो सकता है आप थोड़ी देर बाद भूल जाए, तो इसको आप खुद से बिना देखे करके सॉल्व करेंगे ना, तब आप आएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन रीड करिए। How much direction does she run? Tina runs three times around the square track. ठीक है, स्क्वायर ट्रैक है, उसके चारों तीन टाइम थ्री टाइम्स रन करती है, having each side 70 meter long. ठीक है, how much distance does she run? तो देखिए आपको फील्ड का शेप बता दिया गया है कि वो स्क्वेरिकल है, ठीक है, तो यहाँ पे हम पेरीमीटर निकालेंगे, पेरीमीटर ऑफ स्क्वेरिकल ट्रैक जो भी है, ट्रैक इक्वल्स टू कितना होता है, 4 इंटू साइड होता है, ठीक है, तो 4 ये है और साइड आपको 75 सेंटीमीटर दिया हुआ है, तो 4 5 का 20 टू कैरी ओवर, 4 7 का 28 प्लस 2 30, तो ये कितना आया 300 मीटर। बट जो गर्ल है वो कितना टाइम्स रन करती है, थ्री टाइम्स रन करती है, ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, 300 से 3 को मल्टीप्लाई करेंगे, 3 0 0 3 0 0 0, देन 3 3 9, तो फाइनली वी हैव आंसर 900 मीटर। क्लियर है ये? यस मैम। यस मैम। यस मैम। चलिए, तो ये 16 पेज का कंप्लीट हुआ, किसी को कोई डाउट तो नहीं है? इसके नोट्स में सेंड करूंगी, जिनके पास बुक है, जिनके पास बुक है वो बुक में लिखेंगे, और जिनके पास बुक नहीं है उनको क्लास वर्क कॉपी में लिखना है, ठीक है ना? ओके मैम। यस मैम। नाउ यू कैन लीव योर क्लास। थैंक यू मैम, बाय बाय।